अब हमने मध्य सप्तक का सरगम बजाना सीख लिया है, सारे ग म प ध नि सा सानी ध प म ग रे सा। मध्य सप्तक मतलब मिडिल ऑक्टेव। अब हम मंद्र सप्तक का सरगम बजाना सीखेंगे। मंद्र सप्तक इज ऑल्सो नोन एज लोअर ऑक्टेव। तो चलिए अब लोअर ऑक्टेव का नी ध प बजाना सीखते हैं। अब हमें पता है कि सा कैसे बजाते हैं। फर्स्ट थ्री फिंगर्स ओपन होता है तो हम सा बजाते हैं। अब नी ध प, we will close this finger from down, this is ni, then we will close this, that is dha, and then we will close this one, that is pa. Let's try again, sa, ni, dha, pa, sa, ni, dha, pa, sa, ni, dha, pa. तब ये याद रखिएगा कि हम ये जो अभी जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोअर नोट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ मिडिल ऑक्टेव के नोट्स मत बजाइएगा। लेट्स गो अगेन, सा नी ध प। तो चलिए एक बार बजा के देखते हैं। बजाते समय आपको ये याद रखना है कि अगर आप बहुत ज़ोर से ब्लो करेंगे तो आप मिडिल ऑक्टेव का नी ध प बजाएंगे, और आप अगर थोड़ा स्लोली सॉफ्टली ब्लो करेंगे तो आप लोअर ऑक्टेव का नी ध प बजाएंगे। मैं एक बार आपको बजा के दिखाती हूँ और फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा कि वो कैसा साउंड करता है। अब जो हमने सानी धपा बजाना सीख लिया है, नाउ लेट्स लर्न टू प्ले प ध नि सा। इज द सेम थिंग, जिस हमें उसे उल्टा कर देना है। और अगर कभी आपसे डायरेक्टली लोअर प नहीं बज रहा है, सो डोंट वरी, आप सा नी ध प करके बजाइए, और जब आपका प बज जाएगा तब उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, उसे थोड़ा ज़्यादा बजाइए ताकि आपका हाथ प पर बैठे। तो मैं एक बार आपको बताती हूँ कि आप कैसे बजा सकते हैं। तो अगर कभी आपकी कोई फिंगर ओपन रह गई तो आपसे प नहीं बजेगा, लाइक इट विल साउंड लाइक दिस। तो अगर आपसे नहीं बज रहा है तो आप फिर से सा से ट्राई करिए, समथिंग लाइक दिस। स्पेंड मोर टाइम ऑन प सो दैट आपका हाथ उस पर बैठे। वंस अगेन, तो ये एक सिंपल टेक्निक है कि अगर आपसे कोई नोट नहीं बज रहा है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए और उसे ज़्यादा बजाइए, उसे ज़्यादा टाइम दीजिए। एंड अगर फिर भी नहीं बज रहा है तो उसके ऊपर के कुछ और नोट्स बजाते हुए फिर उस पर आए तो आप वो नोट बेटर प्ले कर पाएंगे।
तो अगर आपका हाथ प ध नि सा पे बैठ गया होगा तो लेट्स प्रैक्टिस वंस 60 बीट्स पर मिनट ऑन मेट्रोनोम. आप मेट्रोनोम का आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड या iOS, इट डजेंट मैटर, इट्स अवेलेबल ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स. सो लेट्स स्टार्ट. आपको इस प्रैक्टिस पेज से हेल्प मिली होगी. कीप प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर. और जो हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में सीखा है उसे आप दोहराते रहिएगा, आप प्रैक्टिस उसे करते रहिएगा ताकि आपका उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़े और आप उसे और अच्छे से बजा पाए. सो आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट वीक. कीप प्रैक्टिसिंग.